on this beautiful day we want to look into the word of god आज इस सुंदर दिन में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे and i want your attention to a very familiar story in the gospels और आज हम uh, सुसमाचार में से एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी में से देखेंगे where jesus stills uh, calms a storm जब प्रभु यीशु मसीह अभी भी हमारे तूफानों को शांत करते हैं And he rebukes his disciples in that story for lack of their faith. And so today we want to. Uh, see from a different perspective. <laughs> that is to take Jesus as he is. This uh, phrase has been in this story for, uh, for 2,000 years, and I have read it probably 50 times. But uh, the Lord put my attention to this little phrase. ऑफ टेकिंग जीसस एज ही इज ओनली रिसेंटली और ये जो वाक्य है कि जैसा इश्यू है उसको वैसे ही अपनाए ये कब जब से ये वचन लिखा गया तब से है लेकिन अभी कुछ समय पहले से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय में डाला इसमें ज्यादा मेरा ध्यान केंद्रित किया इस वाक्य पर दिस ब्यूटिफुल स्टोरी इज फाउंड इन दॉस्प ये सुंदर कहानी सुसमाचार में पाई जाती है एंड वी शेल बी रीडिंग फ्रॉम द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क और हम इसको पढ़ेंगे uh, मरकुस रचित सुसमाचार से चैप्टर फोर एंड वर्सेस 35 टू 41 वन मरकुस चार पैंतीस से इकतालीस आय तक एंड आई विल अप्रिशिएट इफ समबडी कैन हेल्प अस रीड दीज टू स्लाइड्स एंड

And in the churches, और जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही प्रसिद्ध और जानी पहचानी कहानी है जो हम संडे स्कूल में और चर्च में सुनते आए हैं जीसस इज डूइंग प्रभु यीशु मसीह वो कर रहे हैं जो वो पसंद करते थे करना देट इज प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑन द लेक शोर और प्रभीष मसीह शिक्षा दे रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं समुद्र के किनारे लेट्स बिगिन विद मार्क चैप्टर फोर एंड वर्स वन दैप्टर विद और हम शुरू करेंगे आयत से। There it says, and he, Jesus, began to teach टू टीच sea, and अ वेरी लार्ज क्राउड gathered अबाउट हिम सो that गॉट got into अ बोट एंड सेट इन इट ऑन द सी एंड ऑन द लैंड कुछ चार एक झील के किनारे उपदेश देने लगा और एक ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई की वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही सो दी हियर इज द लेक ऑफ गैले इट इज एक् लेक

ज़्यादा बाहर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से से के द्वारा बहुत लोगों को तृप्त कर सकते हैं। इसलिए झील के किनारे जो जगह थी ये ये एक काफी प्रसिद्ध जगह हो गई जहाँ प्रभु यीशु मसीह अक्सर उपदेश दिया करते थे भीड़ को फॉर 1 ऑफ मार्क And verse 16, 1 16 says, Passing alongside the Sea of Galilee, he, that is Jesus, saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. मरकुस एक में लिखा है गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए यीशु ने शमोन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मच हुए थे एंड देन अगेन इन चैप्टर टू एंड वर्स थर्टीन इट सेज और फिर uh, मरकुस दो तेरह में लिखा है जीसस वेंट आउट अगेन बिसाइड द सी उसमें लिखा है यीशु फिर निकल झील के किनारे गए एंड ऑल द क्राउड वॉज कमिंग टू हिम एंड ही वॉज टीचिंग दम And also, and, 7, and also in chapter 3 and verse 7, Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great crowd followed from Galilee and Judea and Jerusalem and Edomia and from beyond the Jordan and from around Tyre and Sidon. साथ में लिखा यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और यहूदिया यरूशलम यर्दन के पार सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर के वो कैसे चंबे के काम करता है उसके पास एंड नाउ इन चैप्टर फोर वी सी द सेम सीन रिपीटेड और अब हम मरकुस चार में इसी तस्वीर को दोहराते हुए देखते हैं सो जीसस वाज टीचिंग एंड द क्राउड वाज इंक्रीजिंग और यशु उपदेश दे रहे थे भीड़ बढ़ती जा रही थी रिमेंबर देयर देयर इज इज नो माइक्रोफोन सिस्टम नो टेक्नोलॉजी 2000 इयर्स अगो

चढ़कर लोगों को जो चारों तरफ तट पर थे उनको उपदेश दे रहे थे

not to incite intellectual discussion about them वाद वाद but people so that people could uh, Jesus could test the spiritual, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ हिज लिस्नर्स ताकि जो श्रोता लोग हैं उनकी आत्मिक जवाब देने की बातों को और जागरूक कर सके उनके जीवन में प्रभु श्री मसीह इन कहानियों के द्वारा उनके अंदर का जो आत्मिक ज्ञान है सुनने की और वार्तालाप करने की बात है उसको जागरूक करते थे ना आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ टीचिंग और एक

और उसमें लिखा है शाम हुईवनिंग और, हुई तो so और जब बहुत से श्रृंखला दृष्टानों की जब खत्म होने लगती है मार्क नाव फ्रॉम थर्टी फाइव ऑनवर्ड्स मर्कुज से बताते हैं इज गोइंग टू राइट ए न्यू सेक्शन A new, section begins, A new section begins, in which Mark is trying to convey to his readers and to you and to me today, मरकु इसको लिखने के द्वारा और अपने पढ़ने वालों के लिए और मुझे और आपको सिखाने के लिए आज uh, कहते हैं कि यीशु केवल अद्भुत काम करने वाले ही नहीं है, now, did, और अभी तक मरकु ने काफी ऐसे आ, कर्मों का विवरण दिया जो यीशु ने जीसस इज नॉट ओनली ग्रेट टीचर और मरकुश बताते हैं कि के यीशु केवल एक बहुत बड़े

go across the sea across the to the other side and you know what happened that night as they were trying to go to the other side they were taken over by the storm and disciples were wondering what's going on

और यीशु जो है उसी दौरान नाव में कोने में आराम कर रहे थे हो सकता थोड़ा झपकी ले रहे हो रियली बॉदरसम इससे जो चेले थे वो काफी परेशान थे wanted साइड spend the टू स्पेंड द नाइट एट he ही टीचिंग

और अक्सर क्या होता है जो परमेश्वर के वचन से आदेश को हम सुनते हैं वी मे नॉट अंडरस्टैंड टाइम उस समय हम उनको नहीं समझ सकते थर्टी एट से और साहित में लिखा है Jesus's एटीट्यूड इज ऑफ कंप्लीट chilling。 और जब उन्होंने देखा कि यीशु का व्यवहार तो बिल्कुल आराम का है वो वो अपने कंट्रोल नहीं नहीं कर पाए। कहते हैं, क्या क्या तुझे तुझे हमारी चिंता चिंता है? कि हम नष्ट हो जाते हैं हम किस बीच से होकर निकल रहे तू तूने हमसे कहा था हम पार चले इन थ्रू दिस बोट और

तू इशू के पीछे हो यस योर लाइफ विल बी चेंज हाँ तेरा जीवन बदल जाएगा यस यू विल एक्सपीरियंस दिस यू विल एक्सपीरियंस दैट तू ऐसा अनुभव करेगा तू वैसा अनुभव करेगा आई जस्ट डिड दैट और मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया सो व्हाई दिस स्टॉर्म इन माय लाइफ नाउ

मुझे आपके बारे में नहीं पता लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ मैं ऐसी परिस्थिति में से उसके होकर निकला हूँ so the thing that the disciples were experiencing... तो जो बातें चेले इस समय अनुभव कर रहे थे इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एवरी डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मस्ट ग्रो थ्रू इन देयर लाइफ ये ऐसा सवाल है जो हर एक प्रभु यीशु मसीह के चेले को होकर गुजरना है अपने जीवन में बिकॉज़ दिस पिक्चर क्योंकि ये तस्वीर Tells us that in the early church, a boat was equivalent to the church.

और इसलिए जब ये कहानी आधुनिक कलीसिया में शुरू की कलिसिया में जब प्रचार की गई बोट सिग्निफाइड द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट नाव जो है प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है जो उसकी देह उसको आ, ध्यान कराती है बट लेट कंसीडर लेकिन आइए हम इस बात को देखें हु इज इन दैट बोट

लेकिन यीशु जो है ज्यादा सक्रिय नहीं है पर आराम कर रहे हैं। ही इज नॉट स्टीयरिंग द बोट वो नाव नहीं चला रहे इट इज लेफ्ट टू द डिसिपल्स वो शिष्यों के लिए छोड़ दी गई है बट व्हाट आई वांट यू टू नोटिस इन दिस स्टोरी पर मैं जो आपसे चाहता हूँ कि आप जिस बात पर ध्यान दें इस कहानी में दीस डिसिपल्स टू हुम जीसस हैज गिवन द a task of rowing the boat or taking him across to the other side they are not perfect even though they had their whole life been in that lake and they have rowed the boats but they are not perfect और जबकि उनका जीवन नाव में और पानी में बीता है और वो लेकिन वो शुद्ध भी नहीं आ, स्थिर भी नहीं मोर देन दी समुद्र से ज्यादा दे आर फॉल्टिंग इन रिकोगनाइजिंग हु इज विद डेम इन द बोर्ड वो इस बात को पहचानने से झिझक रहे हैं कि उनके साथ नाव में है कौन दे रिकोगनाइज द सी दे नो अबाउट द सी समुद्र को तो पहचानते हैं वो उसको जानते भी हैं दे नो अबाउट दी स्टॉर्म्स वो आंधी तूफान को भी जानते हैं दे आल्सो रिस्पोंडेड टू द कमांड ऑफ जीसस लेट्स गो अक्रॉस द सी और उन्होंने यीशु के आदेश को माना कि चलो पार चलें बट देन दे डोंट रिकॉग्नाइज हिम हिम एंड दे आस्क हु इज दिस गाय

कि उसमें डर नहीं होगा एंड द स्टोरी ऑफ दिस बोट और ये जो कहानी है इस नाव की एज द चर्च ऑफ गॉड परमेश्वर की uh, कलिसिया के होने के नाते स्टोरी ऑफ फेथ वो इस बात को दर्शाता है कि हमारी जो यात्रा है विश्वास की उसके मध्य में हमारे पास uh, शक और डर होगा एंड द स्टोरी गिव्स हो कहानी हमें आशा देती है कलीसिया के हिस्से है दोज जर्नी ऑफ फेथ और जो इस यात्रा में हमारे साथ सहभागी हैं We...

Uh, uh, नाव है वो छोटी है थोड़ी सी हवा में वो और पानी के झुकाव से वो भर सकती है and and और क्यों हमारे पास चिंतित uh, uh, बातें होंगी hmm. हमारे जीवन में लाइक यू एंड मी एज वर इन दिस बोट

to help us in this situation. और हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर यीशु जो है हमारी चिंता नहीं करता हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं। We are unable to have faith and trust in God. और हम हमारे पास विश्वास करने की क्षमता नहीं होती और भरोसा नहीं होता परमेश्वर पर। But That's what this story is about, my dear friends. मेरे मित्रों यही तो इस कहानी ये कहानी इस विषय में बताती है। Our church. हमारी कलीसिया। And the church of God around the world. और जो कलीसिया पूरी दुनिया विश्व भर में है। Is filled with such disciples, my Friend, मेरे मित्रों ये ऐसे ही शिष्यों से भरी हुई है who don't quite get it what's going on जो जानते नहीं कि चल क्या रहा है who with the followers of, followers of Jesus when they follow God when he asked them to cross uh, and go uh, over to the other side जो दूसरे शिष्यों की तरह हैं जिनसे यीशु ने बोला आओ उस पार चले it is filled with people like you and it is people like me and yet it is Not about about us. It is is Jesus who is there Amen. in this boat. तो ये इस प्रकार से मेरे और आपकी तरह जो इस नाव में है सब कुछ बात हमारे ऊपर नहीं लेकिन उसके विषय में जो हमारे साथ इस नाव में है क्या करेंगे for sure doesn't say, okay, I am डन with this bunch of

और हो सकता यीशु कह सकते थे कि मैं दूसरे जो सेलर हैं कॉम्पिटेंट हैं मैं उनको लेकर अपने साथ to them, या फिर वो उनसे कह सकते थे ओके फोक्स ठीक है सम हाउ दिस बोट टू द डॉक फिर से उसको वापस तट पर ले आओ नाव को आई आरोप तो चला of ये तो काफी हो ग्रेट फिशरमैन ऑफ ग्याल

परमेश्वर कह यीशु कह सकते थे कि पूरी दुनिया जो है गर्व करेगी मेरी सेना पर नो माय डियर फ्रेंड्स इट डजंट हैपन दैट वे ऐसा नहीं होता मेरे मित्रों जीसस स्टेज़ विद देम थ्रू आउट द स्टॉर्म एमेन यीशु उस पूरे आंधी तूफान के मध्य में उनके साथ उनके मध्य में होते हैं यस ही रिब्यूक्स देम

Essa nem me trouxe isso. उनके मध्य में उनके साथ बने रहते हैं यीशु हमारे तूफानों में हमारे परेशानियों में अकेले हमें नहीं छोड़ते। kind of leave, leave of and and और यीशु एक ऐसा प्रभु ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारी जरूरतों में हमारी परेशानियों में हमारी तंगी में हमारे सताव के मध्य में हमें छोड़ दे बट ही ट्रस्ट थ्रू दैट स्टॉर्म लेकिन परमेश्वर हम पर ट्रस्ट करता है उस उस तूफान के के मध्य में। he wants us to trust him through that storm. और यीशु चाहता है कि हम अपने विश्वास के द्वारा उस पर भरोसा करें इस मध्य में, he में। encourages us, he rebukes us, वो हमें उत्साहित भी करते हैं और हमें डांटते भी हैं ताकि हम अपने विश्वास में और मजबूत हो जाए तूफान और शक और चर्च इज इम परफेक्टिस जो है है. एबसुलटली नो डाउट अबाउट इट इसमें कोई शक नहीं एंड मेनी पीपल से आई डोंट गो टू दैट चर्च बिकॉज दिस द चर्च दैट

और मैंने बड़े आराम से <laughs> कि तुम इस बात की चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास हमेशा एक की और जगह माय फर्स्ट सेमिनरी प्रेसिडेंट और जो मेरे पहले सेमिनरी के जो प्रेसिडेंट थे अध्यक्ष वो हमें शिक्षा देते थे देयर इज नो चर्च कोई भी सिद्ध कलीसिया नहीं है एंड इफ यू फाइंड वन एनी वेयर ऑन अर्थ और यदि कोई तुम्हें सिद्ध कलीसिया मिल जाए कहीं पे भी विश्व में डू नॉट ज्वाइन दैट चर्च तो कभी भी उस कलीसिया के भागी मत बिकॉज़ द मोमेंट यू भागीइन दैट परफेक्ट चर्च क्योंकि जैसे ही तुम उस सिद्ध कलीसिया में पहुंचोगे इट विल बिकम इम्परफेक्ट वो भी इम्परफेक्ट हो जाएगा सो यस देयर इज नो ग्रुप नो चर्च नो बोर्ड दैट इज परफेक्ट और मेरे मित्र कोई भी ऐसी गुड न्यूज इज पर शुभ समाचार ये जीसस इज इन दैट ये शुभ उस नाव में तो है डिफरेंस और यही तो फर्क है टू मी दैट इज इंक्रीजिंगली

एक छोटा सा वाक्य है जो मरकुस ने शामिल किया है एंड दैट सो देर आर मेनी ट्रांसलेटर्स और इस कली से हम एक ऐसा शब्द है जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए लोगों ने अलग अलग अनुवाद में उसको अनुवाद करके एक तरह से उसका मतलब बदल दिया है सो वर्स छाइट में लिखा है एंड लीविंग द्राउड और वे भीड़ को छोड़कर दे मीनिंग डिसाइपल्स और जो शिष्य थे यीशु के took him meaning Jesus उन्होंने यीशु को लिया साथ में with them in the boat उसे अपने साथ उस नाव में ले गए just as he was जैसा वो था and other boats were with him और दूसरे नाव में भी उसके साथ थी so they sailed इसलिए वो सेल करते हैं। हैं। यीशु यीशु को अपने साथ नाव में लेते जैसे थे, वैसे ही उनको लिया। as I said, very difficult phrase. और जैसे मैंने बोला ये थोड़ा सा कठिन है ट्रांसलेटर्स translator, don't गेट इट बहुत से अनुवादकों को इसका मतलब नहीं मालूम एंड मेनी से And without stopping for dinner or whatever that. they just took Jesus as he was. और कुछ लोग अनुवादियों करते हैं कि यीशु को खाने का मौका नहीं मिला, आराम का मौका नहीं मिला, फ्रेश होने का मौका नहीं मिला। इसलिए वो जैसे यीशु था वैसे ही उसको ले गए। But I think this phrase Mark has very intentionally left for us. पर मैं सोचता हूँ मार्क ने बड़े जानबूझकर इस वाक्य को हमारे लिए छोड़ दिया है। See in the earlier parables in the teachings of Jesus, Jesus was telling them different parables. जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले वाले अध्यायों में मार्कस लिखते हैं Most of the parabolic teachings, disciples didn't get. बहुत से दृष्टांतों की कहानियां शिष्यों को समझ में नहीं आती। और बहुत सी बार जब चेले के आसपास होते थे जब भीड़ नहीं होती थी उनको उन दृष्टांतों के अर्थ को समझाते थे कि उसका अर्थ क्या है सो देर आर लॉट ऑफ थिंग ड बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यीशु कहते हैं और करते हैं that we don't get. जो हमें समझ में नहीं आता मैनी ऑफ इज एक्शनस्टैंड और यीशु के कई कार्य हैं जो हमें समझ में नहीं आते मैनी ऑफ टीचिंग्स वी डोंट गेट बहुत सी शिक्षाएं हैं जो हमें नहीं समझ में आती थे उन्होंने जैसा वो था विदौल्स उसके सारे दृष्टान्त विदऑल इज डी टीचिंग उसकी सारी गहरी शिक्षाओं के विदऑल इज एक्शनस्टैंड तमाम उन कार्यों के द्वारा जो उसने किए जो उनको समझ में नहीं आता

स टू मेनी जैसे इश्यू है कि हम उसको वैसे ही अपनाते हैं उनकी शिक्षाओं के साथ चाहे हम समझ में आए चाहे ना आए आओ वी विलिंग टू क्लाइमस्टैंडिंग द फ्यूचर विदाउट फुल्लीस क्या हम इस बात को पूर्णतः समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्यों उस नाव में जाने के बारे में बता रहे हैं और हमको भविष्य के बारे में नहीं पता की क्यों हमें ऐसा करना है

Uh, सोचते हैं कि जब हमको बुलाहट होती है यीशु के शिष्य होने के लिए वी कम विद ऑल आवर एजेंडाज आवर प्लान्स दिस इज व्हाट आई एम गोना डू दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट तो हम कई बार अपने uh, निश्चयों को और अपने प्लान को लेकर आते हैं हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे बट गॉड ऑफन इज आस्किंग अस पर तो परमेश्वर अक्सर हमसे ये पूछते हैं टू जस्ट साइन एट द ब्लैंक पेपर एट द बॉटम कि हम एक खाली कागज पर कोने में हस्ताक्षर कर दें। mm -hmm. और यीशु है परमेश्वर है जो स्वयं उस कहानी को मेरे और आप के, लिए, के लिए लिए अपनी कलीसिया लिखेंगे। क्या हम तैयार हैं यीशु को वैसा ही लेने के लिए अपनाने के लिए जैसा वो हैं? You know, हर एक प्रेरितों के लिए For Apostle Paul, uh, Paul liye. this is exactly what it meant.

और हर एक तूफानों के मध्य में होंगे सो टूडे माई डियर फ्रेंड्स एज यू रीड दिस स्टोरी तो मेरे मित्रों आज जैसे आप इस कहानी को पढ़ते हैं चैलेंज बिफोर यू एंड मी इज आर यू रेडी टू टेक जीसस एट हिज वर्ड तो हमारे लिए चुनौती ये है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को उनके शब्दों के साथ लेने के लिए जैसा वो है तैयार है एज ही इज जैसे वो है समटाइम्स इन कॉम्प्रीहेंसिबल नॉट अंडरस्टूड वी डू नॉट कंप्लीटली फॉलो हिम बट आर वी विलिंग टू टेक हिम एन वर्ल्ड कभी कभी हमें ये समझता नहीं ये क्या है सब कुछ का अर्थ क्या हो सकता है पर क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं तत्पर हैं कि हम उसको जैसा इशू है उसको अपना onwards? क्या हम इस बात के लिए तैयार कि एक खाली कागज पर जिसपे कुछ नहीं है अपना हस्ताक्षर करके परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द कर दे की वो हमारी इस कहानी को लिखे And as all of his disciples did in the first century, are we ready to sign up for suffering for the sake of his kingdom? But I can assure you.